आपकी खुशी है कि पिछले कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और वो निर्णय हमारे ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले जोहाटी कम्युनिटी के जो हमारे भाई बहन हैं उन सबको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मंजूरी मिली है। अनुसूचित जनजाति के इस दर्जे के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, मांग चल रही थी और पिछले कल इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने उस क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझा और भावनाओं के अनुरूप उन्होंने निर्णय लिया। और इस सारे विषय को लेकर के मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, जिनके सामने इस सारे पक्ष को जब हमने प्रस्तुत किया और उन्होंने बहुत सहजता के साथ इस सारे विषय को समझा और उसी दिन उन्होंने कहा कि हम इसको करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। समय समय पर हम इस सारे विषय को लेकर के जो कम्युनिटी की जो एक कमेटी बनी थी इस विषय को सरकार के समक्ष रखने के लिए, इस विषय को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए उन सब साथियों से भी मिलते रहे। 1967 में उत्तराखंड का जो जौनसार का जो इलाका है उसको ट्राइबल घोषित कर दिया गया था और जौनसार का इलाका जो पड़ता है वो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की सीमा के साथ पड़ता है, सिरमौर जिले की सीमा के साथ लगता है। हमारे हिमाचल के बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, आधा परिवार हिमाचल प्रदेश में इस तरफ रहता है, आधा परिवार उत्तराखंड में उस तरफ रहता है। और उसके बाद ये परिस्थिति हुई जब 1967 में जौनसार के इलाके को ट्राइबल घोषित कर दिया गया तो परिवार के सदस्य जो इस तरफ रहते थे हिमाचल प्रदेश में वो ट्राइबल में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन जो जौनसार के इलाके में उस तरफ उत्तराखंड के उस हिस्से में रहते थे वो ट्राइबल घोषित हो गए। यानी कि एक परिवार में एक भाई ट्राइबल में और एक भाई ट्राइबल में नहीं, इस तरह की एक परिस्थिति बनी थी जिस बात को लेकर के हमारे वहां सिरमौर के हमारे जो लोग हैं हमेशा अपनी बात को प्रदेश सरकार के सामने उठाते रहे। अगर सही मायने में इस बात को हम कहें कि 1967 के बाद लगातार ये प्रयास चल रहा था कि हम एक परिस्थिति में रहते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां एक तरह की हैं, हमारे कल्चरल सारी चीजें आपस में मेल खाती हैं, बोली भाषा हमारी एक जैसी है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो रहने वाले हमारे साथी हैं उनको भी ट्राइबल में शामिल किया जाए, तो ये एक मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी। और अभी इस निर्णय के साथ मुझे इस बात की खुशी है कि इस फैसले